अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। आज सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ का आज दूसरा दिन है, लेकिन इसके पहले जब मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी तो उनमें डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे भी शामिल थे। अब डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, डीसीपी त्रिमुखे के अलावा उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी कोरोना हो गया है। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स सामने आने के बाद यह जानकारी मीडिया में आई थी कि डीसीपी त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच 4 बार बातचीत हुई। रिया ने 21 जून को बांद्रा डीसीपी से फ़ोन कर 28 सेकंड तक बात की थी। 22 जून को डीसीपी ने रिया के लिए मैसेज छोड़ा था। फिर डीसीपी ने 22 तारीख को ही रिया से फ़ोन पर 29 सेकंड तक बात की थी। फिर 8 दिन के बाद डीसीपी की तरफ से रिया चक्रवर्ती को फ़ोन मिलाया गया। 66 सेकंड तक उस दिन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन 18 जुलाई को एक बार फिर रिया की तरफ से डीसीपी को फ़ोन मिलाया गया। ये फ़ोन कॉल अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सीबीआई के हाथों में चला गया है। इससे पहले इस मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में तकरार देखने को मिली थी। बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर शुरू से ही सही से जांच नहीं करने और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती रही। फिलहाल ये मामला जब सीबीआई के हाथों में चला गया है तो इस मामले से रिलेटेड यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से रिलेटेड कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके स्टाफ से लेकर रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई पिता से भी जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।